आइए और जानकारी लेते हैं। भारत निर्माण में टीचरों का बहुत बड़ा अहम रोल रहता है और भारत का निर्माणदाता कहते हैं, लेकिन आज वही टीचर्स रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मोमबत्तियां दिखा रहे हैं। सुमन साहब, आपका क्या मानना है, क्या मांगे हैं आपकी, किन मांगों को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मोमबत्ती आपने क्यों जला रखी है? ये मोमबत्ती इसलिए जला रखी है कि सरकार की जो है दिखाने के लिए अंधकार में है सरकार। हमारा 5 मार्च का जो सर्कुलर है जिसमें ये कहा गया है कि डिपार्टमेंट वाइज आप रोस्टर बनाइए, पहले का रोस्टर सही ढंग से चल रहा था, 200 पॉइंट रोस्टर सीनियरिटी के आधार पर कॉलेज एज ए यूनिट, लेकिन इस सरकार ने ऐसा कर दिया जिससे कि SC ST के OBC के कैंडिडेट्स जो है अब वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट में एक एक दो दो पोस्टें होती है और एक एक पोस्ट भरने से जो है कभी भी SC ST की पोस्ट नहीं आ पाएगी। सर, पहले आपका जो वैकेंसी बेस्ड रोस्टर था, शायद मुझे ध्यान है 22 जुलाई 1997 को था, क्या वो पूरा हो चुका था? नहीं नहीं, आपने गौर फरमाया था? बिल्कुल, उसमें जो है हम कोर्ट में गए थे और कोर्ट से जीत करके आए थे वैकेंसी बेस्ड रोस्टर के लिए। पहले क्या है, वैकेंसी बेस्ड रोस्टर था 1, 4, 8, 14, 17, 21, 28, 31, 36, ये वैकेंसी हमारी SC ST की थी। जब वैकेंसी बेस्ड रोस्टर कंप्लीट हो जाएगा तभी पोस्ट बेस्ड रोस्टर चलेगा और पोस्ट बेस्ड रोस्टर 2 जुलाई 1997 से था। इस सरकार ने क्या किया, अभी ना तो वैकेंसी बेस्ड रोस्टर क्लियर किया और ना ही पोस्ट बेस्ड रोस्टर, अब एक नया फार्मूला डिपार्टमेंट वाइज लेकर के आ गए जहां दो दो चार चार वैकेंसी है, वो कभी भी SC ST का OBC का रिप्रेजेंटेशन, हम रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे, हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेशन कभी पूरा नहीं होगा। इसी के एवज में जो है आज का ये हमने जो है प्रदर्शन किया है। सर, अभी एक अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर भवन के अंदर एक मीटिंग थी, तो उसके अंदर अर्जुन मेघवाल जी कह रहे हैं कि भाई जो 5 तारीख का जो लेटर था उसको हम वापस करा रहे हैं और ये शायद वापस हो चुका है, तो क्या आपको इस बारे में मालूम है? बिल्कुल मालूम है, लेकिन ये है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जब तक कि सरकार जो है कह रही है कि हमने वो सारी चीज़ें वापस ले ली, यदि ले ली है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप क्यों नहीं उसको वापस कराने के लिए दबाव डालते UGC पर, MHRD पर, कि हमने नोटिफिकेशन जारी करे फिर से, जिस तरह से 5 तारीख का जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद ये जो पत्र आया है उसी तरह से जो है UGC पर दबाव बनाए और ये कहे कि हम जो है अपना नोटिफिक ये वापस ले रहे हैं, तभी हम मानेंगे ना। अब वो कह रहे हैं कि अर्जुन सिंह मेघवाल के हमने ये वापस ले लिया, तो वापस अभी कुछ नहीं हुआ है, केवल जो है शब्दों में वापस लिया गया है, वास्तविकता जो है जब ही सामने आएगी टीचर्स के सामने, जब वो पूरी तरह से अखबारों में आएगा, मीडिया के सामने आएगा और मीडिया भी ये कहेगा कि हाँ अब वापस हो गया, अब आप क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सुमन साहब, एक घाव ठीक नहीं होता, दूसरा घाव दे दिया जाता है, पहले आपका 5 तारीख वाला था, फिर अभी 20 तारीख को जो एक जजमेंट दे दिया कि जो एट्रोसिटी को लेकर, तो एक घाव ठीक नहीं होता, दूसरा घाव दे दिया जाता है, क्या मानसिक स्थिति है? देखिए, दलितों के 70 साल से बहुत सारे घाव है, इतने जख्म बन चुके हैं, इस सरकार ने भी इतने जख्म दे दिए हैं, उन्हें झेलने की आदत हो गई है। लेकिन हम जो है संसद से लेकर सड़क तक अपनी लड़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, घाव चाहे कितने भी हो, हम रेंगते हुए सरकार को 2019 में बता देंगे कि हमारे घाव अब जो है बहुत बड़े हो चुके हैं और आपको भी अब वापस जाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, अभी जो प्रोफेसर से हैं उन्होंने सभी ने बता दिया कि घाव इतने गंभीर हो चुके हैं और हमें आदत भी पड़ गई। आइए और जानकारी लेते हैं। सर, आपका नाम? डॉक्टर संदीप, फॉर्मर सेक्रेटरी डूटा। सर, ये क्या मांगे, किन मांगों को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन? बेसिकली आज का हमारा ये कैंडल लाइट विजिल, जो 5 मार्च का लेटर है, जो इन्होंने सबसे बड़ी बात जो सरकार ने, जो प्रेजेंट सरकार ने जो भारत के संविधान के साथ जो छेड़छाड़ की है उसी के विरोध में है, जहां संविधान में 15% SC के लिए, 7.5% ST के लिए और 27% OBC के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन है। इस लेटर के माध्यम से जहां डिपार्टमेंट एज ए यूनिट काउंट होगा, तो उस जो DOPT का सर्कुलर है, जो रिजर्वेशन है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वाइज, वो कतई पूरी नहीं हो सकती और हम कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं और हमारा सरकार से के सामने इन मांगों को करने का कारण भी यही है कि हम संविधान में विश्वास रखते हैं और संविधान की वैल्यूज को माना जाए, DOPT का सर्कुलर माना जाए, जो जिस तरीके से उसमें प्रोविजन है 15% का, 7.5% का और 27% का, वो सिर्फ और सिर्फ 200 पॉइंट रोस्टर से पूरा हो सकता है, 13 पॉइंट रोस्टर से कतई वो सारी चीज़ें पूरी नहीं हो सकती।
सकती। इसीलिए जो 1997 का जजमेंट है सब्रवाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का, वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग है, ना कि 13 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से। ये हमारी मेन मांग है ताकि जल्दी से जल्दी 5 मार्च का लेटर वापस हो। संदीप जी, जिस तरीके के सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के ऑर्डर कर रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट को, जैसे आप लोग एजुकेटेड हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप बताया जाता है कि कानून का सिर्फ पालन करते हैं वो लोग, लेकिन क्या ये जो जजेज को कि कोई नया कानून बनाने का भी एक प्रावधान है? यह कानून तो सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा में बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट में और राज्यसभा में बनाए जाते हैं। जो जितने भी कानून हैं वो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में सारे प्रोसेस से बनते हैं, पर संविधान जो जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का है या कोर्ट्स का है, जो हमारे कानून हैं उनको प्रोटेक्ट करने का राइट है। पर जिस तरीके की सरकार है, जिस तरीके की सरकार की नीयत है, और जिस तरीके से सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट कर रही है, उनसे ये लगता है कि ना तो सरकार की मानसिकता ठीक है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस बैठे हुए हैं वो एक ग्रसित मानसिकता के तहत काम कर रहे हैं। सर, ये आप मानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जो वंशवाद चला रहा है और वंशवाद इस तरीके जो निर्णय दे रहा है, और कहीं भी है वो दलितों के पक्ष में या इस तरीके का जो अभी जो जजमेंट दे रहे हैं वो सही नहीं दे रहे हैं? ये जो निर्णय दे रहे हैं ये सरकार की एक साजिश का तहत है। जिस तरीके से सरकार ने पहले सबसे पहले माइनॉरिटीज़ को, विशेष रूप से मुस्लिम को टारगेट करके जजमेंट दिया, अब उसी मानसिकता के तहत ये जर्नल वर्सेस एससी और एसटी को कर रहे हैं, ताकि ये समाज को पोलराइजेशन का, जर्नल और ओबीसी को अपने साथ एक इस तरीके का प्रोपगेंडा करके, दिखावा करके कि दलित को हम अलग करके और इनको पोलराइज करने की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और ये जो जजेस इन्होंने लगाए हैं ये भी उसी साजिश का एक पार्ट है। सर, आपका नाम? एस के सागर। सागर साहब, आप लोग इतने दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों को कॉलेज के अंदर पढ़ाना चाहिए था। एक टीचर की जो अहम भूमिका है भारत निर्माण में, बोला जाता है कि जो हमारे जो यहाँ के जो टीचर से अध्यापक हैं भारत निर्माण में, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन आज योगदान की वजह आप लोग रोड पर हैं। हम पढ़ाई भी साथ साथ में बच्चों को पढ़ा भी रहे, उनका बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ हम अपना जो डेमोस्ट्रेशन। सर, शिष्टाचार कहाँ रहता है? एक तरफ आपको कहा जाता है गुरु हैं, और गुरु आज रोड पर इस तरीके से अपने, बिल्कुल सही है, हम रोड पर हैं, हम उसके साथ साथ हमने अपने पढ़ाई बच्चों पढ़ा भी रहे हैं, और जो हमारा डेमोस्ट्रेशन है वो भी जो सरकार के खिलाफ जो 5 तारीख का जो ऑर्डर है, क्योंकि वो बहुजन समाज के अगेंस्ट में एक्चुअली देखा जाए। मुझे ये जुडिशरी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, ये गवर्नमेंट के सहारे पे काम कर रही है। इनका है कि जो नियम सरकार को बनाना चाहिए, और वो जो नियम बना रही है वो सुप्रीम कोर्ट और जो जुडिशरी बना रही है, ये हम पे बिल्कुल, ये बहुजन समाज के अगेंस्ट और मुस्लिम के अगेंस्ट में काम कर रही है। सर, जो आपने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट बना रही है, कि आप लोग कहते हैं कि जो कानून बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बनाया जाता है और सभा के अंदर बनाया जाता है, लेकिन इनको तो सिर्फ कानून का पालन करना चाहिए, आप लोग बताते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है, एक्चुअली जो कानून है वो पार्लियामेंट में बनाया जाता है, पर सरकार है, सरकार वो खुद ना सारे जो ऑर्डर्स है वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू लाना चाहती है। ये गलत हो रहा है, बहुजन समाज और मुस्लिम्स के अगेंस्ट में जा रहा है ये सब, दैट इज इनकी मानसिकता है, इनको परेशान करना, जहाँ पर बाबा साहब ने जहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों को ये वहीं पहुँचाना चाहती है। सर, ये तो पहले ही अनंत कुमार हेगड़े जी ने बोल दिया था कि हम तो संविधान चेंज करने आए हैं, ये तो पहले ही आगाह कर दिया था। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्चुअली इन्होंने ये बिल्कुल सही है, सरकार ये संविधान चेंज करने की कोशिश कर रही है, और ये भी कह रहे धीरे धीरे ये जो रिजर्वेशन है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन है और कुछ बच्चे जो इतनी फीस हाइक कर देंगे, बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं किसी भी तरह से ये जो भी है, जो हमारा जो स्पेशली जो 5 तारीख का ऑर्डर है वो डिपार्टमेंट वाइज ना होकर ये 200 रोस्टर जो पहले था इम्प्लीमेंट था उसी को कंटिन्यू किया जाए। सागर जी, हमने देखा है कि आज देश को आज़ाद हुए 70-72 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी वही मानसिकता है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या कोई प्रोफेसर है या का महामहिम है, पहले उसकी जाति से संबोधित किया जाता है, ये दलित प्रोफेसर है, ये दलित सांसद है, ये दलित राष्ट्रपति है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अभी नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल ये सही। आज जो आप कह रहे हैं, जो कास्टिज्म बढ़, ये लोग कह रहे हैं कास्टिज्म बढ़ती जा रहा है, कास्टिज्म बढ़ता जा रहा है, पर दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट दिस कास्टिज्म। हम अपना हक मांगने लगे हैं, अब हमारा हक मिलना चाहिए, और हम हक की मांग करते हैं तो ये कह रहे कास्टिज्म को बढ़ाते हैं। और सर, देखा गया है कि इस भारतवर्ष के अंदर जानवरों के लिए तो कानून है, लेकिन यहाँ बहुजन और दलितों के लिए कानून नहीं। नहीं, बिल्कुल सही है, हमारी देखा जाए इस बहुजन, हाँ मैं कर मेरी मेरी अपने इंडिविजुअल सोच है कि भाई जो देखो जानवरों
से जानवरों के रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं, और यहाँ पर ऐसे कि कुछ रूल जो हमें जो प्रोविजंस दिए गए जिसके थ्रू हमें हक दिए गए वो उसको डाइल्यूट करके हमें जानवरों से बेहतर हालत में जीना मतलब जीना पड़ रहा है। आप जाइए गाँव में जाइए, रूरल बैकग्राउंड में जाइए या फिर रिमोट एरिया में जाइए, वहाँ जानवरों से भी बेहतर हालत है। एक प्रोटेक्शन गाय के लिए तो प्रोटेक्शन है, एक और उसके बिहा पर एक जो लोगों को जो बहुजन समाज के लोगों को मारा जा रहा है, दैट मीन्स हमारे जानवरों से भी ज़्यादा हालत खराब है। ये सरकार की ये मानसिकता है। इस जो पहले भी जैसे आप मैं नहीं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर ये सरकार 2019 में रिपीट हुई तो हम बहुजन समाज के लिए कुछ नहीं बचेगा। और हम तो कहते हैं हम जो रिजर्वेशन की बात है, हम रिजर्वेशन की बात ना कह के हम जो 85% जो लोग इंडिया में वो मूल निवासी हैं, हमें मांग करनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन की। हमारा जो 10% जो 85% जिनकी पॉपुलेशन है उसको सिर्फ 12% मिल रहा है लगभग, और जिसकी 15% पॉपुलेशन है वो लगभग 90% जो इसका जो भाग है वो ले रहे हैं, यहाँ पर रिसोर्सेज हो या एकेडमिक्स में कहीं भी हो वो ले रहे हैं। तो हमें रिजर्वेशन की बजाय हमें रिप्रेजेंटेशन की बात करनी चाहिए एक्चुअली देखा जाए। सागर जी, अब वो देखा गया है कि अब जब से ये माहौल स्टार्ट हुआ है तो कुछ मुस्लिम और बैकवर्ड जो है वो दलितों के साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल जुड़ चुके हैं, और हमें उनको पता है कि ये सरकार हमें किस तरह से सता रही है और हम इतने दुखी हैं। हम नहीं पूरी एक्चुअली देखा जाए बहुजन समाज और ये जो माइनॉरिटी वाले नहीं पूरी दुनिया पूरी सारे समाज के लोग इससे दुखी हैं। तो इस और देखा आपने यूपी में देखा जो भारत बंद 2 तारीख को हुआ था, उसके बाद इन्होंने कितना परेशान कर रहे लोगों को, और बेचारे जो इनोसेंट हैं उनको पुलिस जेल में भर भर के उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो अभी भी अगर अभी भी हम इकट्ठे नहीं होंगे तो कब होंगे? तो अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम आपके इस माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि आज का ये समय है, कल अभी भी अगर अभी भी हम इकट्ठे नहीं हुए तो हम ये जो भारत जो हमारा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था वो कभी पूरा नहीं होगा।